नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, मैंने कल आपको ये सर्किट जो है चला के दिखाया था, तो मेरे पास भाई के कमेंट आए थे कि सर इसके अंदर एक 12 वोल्ट की जो रिले है हम उसको किस तरीके से लगा सकते हैं, जिससे कि हमें कोई भी जो एसी लाइन चलानी हो तो वहाँ पर हम इस सर्किट का कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको रिले के इस तरीके से कनेक्शन होते हैं और देखिए रिले के अंदर कोई भी माइनस प्लस नहीं होता। तो यहाँ पर हमने देखिए ये जो आउटपुट लिखा हुआ है यहाँ पर रिले के कनेक्शन लगा दिए हैं। अब देखिए इसमें ये बीच वाली पिन खाली है और दो ये आमने सामने पिन खाली है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो ये 12 वोल्ट का बैटरी है, क्योंकि ये सर्किट जो है हमारा 12 वोल्ट से चलता है, तो ये देखिए यहाँ पर जो है अब वायर सही लग गए। ये देखिए यहाँ पर अब देखिए रिले देखिए काम कर रहा है। ये देखिए ये सर्किट देखिए काम कर रहा है। अब इसके अंदर हम एसी लाइन कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने देखिए ये वाला बल्ब ले लिया और सबसे पहले मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ ये वायर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने देखिए बल्ब के अंदर ये सोल्डिंग कर दिया है और यहाँ पर ये सोल्डिंग हमने टेस्टिंग के लिए कराया खाली। अब देखिए इसके अंदर मैंने एक वायर को कट कर दिया है देखिए, और ये हमारे दोनों हो गए एसी के वायर, यानी कि जो इसका बीच वाला वायर है मैंने इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए जो रिले का जो बीच वाला पॉइंट है, एक तो हमारा वहाँ लगेगा, ये लेके यहाँ लगेगा, और एक पॉइंट हमारा लगेगा रिले का जो हमारा एनसी पॉइंट होता है, जहाँ पर एनसी लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर ये लग गया हमारा, यानी कि जो हमारे बल्ब का सिंगल एक वायर है वो हम कट कर देंगे बीच में से और यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, देखिए एक वायर यहाँ देखिए बीच वाले पिन पर आ गया और एक यहाँ सामने वाली पिन पर जिस पर एनसी लिखा होता है। अब ये देखिए ये यहाँ पर चालू है, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये रोशनी आ रही है हमारे जो सर्किट है। अब देखिए सर्किट ऐसे काम करेगा, ये देखिए बल्ब जल रहा है, ये देखिए बंद हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर जब रोशनी आ रही थी तब ये काम नहीं कर रहा था। देखिए इस तरीके से एक बार लगाओ, एक बार यहाँ पर बंद,